टॉर्पीडोज जनरली फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म पे काम करते हैं क्योंकि पानी के अंदर सोनार के अलावा कोई भी लाइट या रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल काम नहीं करते, लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी ने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। मॉडर्न टॉर्पीडोज को लॉन्च करने के बाद लॉन्च वेसल से कम्युनिकेट कराने के लिए कॉपर और फाइबर ऑप्टिक वायर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। इन वायर्स की वजह से टॉर्पीडोज की एफिशिएंसी काफी बढ़ गई। कुछ मॉडर्न टॉर्पीडोज एनिमी वेसल्स के प्रोपेलर और इंजन से निकले साउंड फ्रिक्वेंसी का पीछा करते करते अपने टारगेट को ट्रैक करते हैं, तो वहीं कुछ टॉर्पीडोज सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम की वजह से भटक जाते हैं। वायर गाइडेड टॉर्पीडोज लॉन्च पॉड को रियल टाइम ट्रैकिंग डेटा प्रोवाइड कराते हैं, जिससे एनिमी वेसल्स को क्लियरली स्पॉट करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। वायर्स के जरिए टॉर्पीडो को कमांड देकर मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। ऐसे में बिना अपनी पोजीशन रिवील किए दूर से ही किसी भी एंगल से एक सरप्राइज अटैक किया जा सकता है। इन वायर्स की लेंथ करीब 30 किलोमीटर के आसपास होती है, और अगर इस रेंज से टॉर्पीडो बाहर चली जाती है तो लॉन्च पॉड से वायर के साथ टॉर्पीडो को अलग कर दिया जाता है और टॉर्पीडो समुद्र के तल पे चली जाती है।